24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तनु तिवारी। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दिलगोरी में घर नहीं बनाने और जान से मारने की धमकी का मामला भागलपुर एसएसपी तक पहुंचा। दरअसल ये मामला पिता की संपत्ति पर बंटवारा का हिस्सा का है, जो कि तीन भाई मिलकर बड़ा भाई राजकुमार राजू को देना नहीं चाहता है। पीड़ित महिला गीता देवी का कहना है कि सुल्तानगंज थाना में कई बार लिखित आवेदन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पीड़िता महिला गीता देवी अपने पति के साथ जान माल की सुरक्षा और इंसाफ की गुहार लगाने भागलपुर वरीय पुलिस पदाधिकारी से मिलने पहुंची। उन्होंने बताया कि एसएसपी ने आश्वासन दिया है। बता दें कि सगे भाई का घरेलू जमीन विवाद कई वर्षों से चल रहा है, जिससे कि बड़े भाई राजकुमार राजू सबसे बड़ा है। चार भाई में तीन भाई शंकर शाह, महेश शाह और गणेश शाह तीनों भाई मिलकर बड़ा भाई राजकुमार राजू को पिता की संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं, जबकि चारों भाई के बीच पिता की संपत्ति के आधार पर बंटवारा हो गया है। पीड़ित महिला का यह भी कहना है कि जब घर बनाने जाते हैं तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल और शर्मनाक बातों की टिप्पणी करते हैं और मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। पीड़ित महिला गीता देवी ने यह भी बताया कि 2 साल पूर्व मेरे घर में घुसकर सभी परिवार को मारपीट करते हुए जान मारने की धमकी दी थी, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, जो कि साफ तौर पर देखा जा सकता है। मामला ये है कि अपने मौखिक बंटवारा हुआ, मौखिक बंटवारा में बोला, आपसी बंटवारा में बोला कुंजी कि वो अपना सबका अपना अपना हिस्सा हुआ। हम शंकर साहब भी अपना हिस्सा बना रहा है, हम भी अपना हिस्सा में बना रहे हैं। तो बोलता है कि पहले केस उठा, हम बोले कि अभी केस नहीं उठाएंगे। केस किस बात का? केस का जो है मारपीट का केस है, घर घुस के मारा है, बहुत बद व्यवहार किया, बहुत गंदा सब। किसके साथ किया था? मेरे साथ में। अच्छा। और केस हो गया है तो जब जानते हैं बार बार वो ऐसा करता तो हम केस कैसे उठाए? जब आप अभी तक ठीक नहीं हुए तो केस नहीं उठाएंगे। अपने हिस्से में बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, तो नहीं हमको बनाने दे रहा है। और बहुत बोलता है कि जो करना है करो, हम से पुलिस मेरे पॉकेट में रहता है। हम दरोगा को जब मारे हैं तो दरोगा को हम से उसका केस खा लिए हैं। दरोगा को मारी, घटना कब का था? 2012 में हुआ था। एमएन सिंह और लीलन सिंह को मारा था, सिर्फ शंकर साहब शामिल था। हाँ, शामिल था, लेकिन इनको शंकर साहब से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं। तो क्या बोला जब वहाँ पे गए जमीन पे? क्या बोल रहा था? बोला किंची की नहीं बनाने देंगे, जोन बाप को जाना है जाओ, नहीं बनाने देंगे, पहले तुम केस उठाएगी तब बनाने देंगे। और बहुत गंदा, तुम साड़ी उठाओ, हम तुमको बना के दिखाते हैं, तुम साड़ी उठा के दिखाओ, देखें ऐसे ऐसे बात बोलता है। बताइए कौन बोल रहा था? ये बोला गणेश साहब ने, और पहले इससे पहले लुंगी उठाया था शंकर साहब ने। आखिर इस तरह का इसके लिए के थाना में दिए थे आवेदन? थाना में बहुत बार दिए, कैसे हमको लगता है कि अभी तक में 20-25 बार डंडा दिए हैं। पहले से आज से 17 से देते देते 50 डंडा हुआ, इधर दिए हैं अभी 23 तारीख 3रा महीना से 4-5 दे दिए हैं। पुलिस जाता है, प्रशासन जाता है, उसका काम रुकवा देता है। हाँ। फिर वो जो है ना, फिर उधर प्रशासन आता है, फिर वो काम चालू कर देता है। हम फिर थाना वाला बोलते हैं कि सर उसका काम से बंद हुआ, फिर चालू, तो कहता है क्या करें, हम तो बंद करवा के आते हैं, चल चालू कर देता है। इस तरह से कैसे कब तक चलेगा ये? इसके लेके कहीं और दिए थे कि बड़ी पदाधिकारी? हाँ, पदाधिकारी में कम दिए थे। 26 तारीख को एसपी ऑफिस में आवेदन 7 दिए हैं। तो एसपी साहब क्या बोले फिर? वहां से बोला कि हम थाना भेज देंगे, भेज देंगे और उसके बाद जो होगा होगा, वहाँ जाएगा। हाँ, इसको लेकर के 7 जगह और आवेदन दिए हैं, मानवाधिकार आयोग में दिए हैं, महिला आयोग में दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, डीआईजी साहब को दिए हैं, डीएम को दिए हैं, एसपी को दिए हैं। आखिर इस तरह का आवेदन देने का आपका कहीं कि हम अपने समस्या से निजात पाना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं कि हमको तंग परेशान नहीं करे। आखिर इस तरह का नौबत क्यों आया कि मानवाधिकार में देना, वहाँ सब देना? जान पर खतरा बना हुआ है, घर घुस करके मारता है। 2 साल पहले वो घर में घुस करके मेरे पत्नी को, मेरे बच्ची को, सबको एकदम बहुत बेरहमी से पीटा है। और हमको यह हमेशा डर बना हुआ है कि कभी भी जानलेवा हमला कर सकता है। अब वह बोल रहा है कि इसके बेटे को गलत केस में फंसा दो, मजबूर होकर के जो है अपने एकदम हमारे सामने झुक जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा। ये सब हथकंडा अपनाए हुआ है। मेरा एक ही बेटा है,
जो कि बोलता है इसको मार दो पूरा वारिस हम बन जाएंगे, कि जकेला जमीन ले लेंगे एकदम जैसे तमीज दम जमीन हड़प हड़प लेंगे। जब हम दरोगा को मार सकते हैं तो तुम्हारा हमारे सामने क्या मुराद है? उसका केस खा गए हम, पैसा था हम पैसा खर्च के केस खा गए। हम कलेक्टर को भी गोली मार सकते हैं, ऐसा तक बोलता है। दबंग आदमी है, मनबरू है, कानून से खिलवाड़ करने वाला है। उससे हम लोग सौ परिवार डरे से हमें रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार राजू है। बहुत दर्दनाक रही हर डर बना हुआ अंदर से, हर समय सोचते हैं कि कैसे यहाँ पर क्या करें, नहीं करें, कहाँ जाए, भाग जाए, क्या करें, दम माथा काम नहीं कर रहा है। दुकान पर घर में दोनों जगह ये परेशान कर दिया है हमको, शांति पूर्वक रहने नहीं देता। वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है न्याय हमको, फिर भी उसका यहाँ भी दुकान दुकान है, यहाँ भी दुकान है। दुकान के सामने वो अपना रास्ता में मोटरसाइकिल नहीं लगाता है, दुकान के सामने में मोटरसाइकिल लगा देता है। कहाँ मेरा मनमानी चलेगा, मेरा मनमानी है, ये सब तो गलत है। कहाँ और अज्ञात आदमी सब हमको घूर घूर करके देखता है। हमको लगता है कि कौन आदमी को सेटिंग कर दिया है, कौन हमारा हम पर कैसा हमला कर देगा, रास्ते में कर देगा कि घर में कर देगा, हर जगह डर बना हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे आपका अपना चैनल GBN 24।